जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे दोस्त, मेरे व्यूज़, मेरे चाहने वाले ना चाहने वाले ठीक ठाक होंगे। दोस्तों ये टिप्स हैं थाईलैंड लॉटरी के लिए, गेस्ट हैं थाईलैंड के लिए। तो पर्ची जुआ खेलना कानूनन जुर्म है। मेन जानिब आसफ फोटो स्टेट गेस्ट पेपर प्राइज बोन। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं बराए मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आल पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर और बआसानी मिल सके। दोस्तों चलते हैं अपने रूटीन की तरफ और अपने गिफ्टिंग की तरफ। अच्छा जी दोस्तों, थाईलैंड लॉटरी रूटीन जिसको अच्छी लगे तो गौर कर ले, जिसको ना अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी करके छोड़ दे। दोस्तों रूटीन शुरू है हमारी 26-0 से। 26-0 ज़र्ब पहला कोर्ट है 53, मुकम्मल कोर्ट है। वीडियो के अंदर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो आप कोर्ट हासिल करके रूटीन को खुद चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़र्ब और बराबर, दोस्तों पहला हमारे पास आंकड़ा निकला ये 48 और ये फिगर पड़े थे इधर 02। तो करना ये है कि दोस्तों इन दोनों की पलटियां भी लेनी है। ये पलटी यानी कि 48, 84, 02 और 20। तो दोस्तों हमारा इसमें से जोन सा ये पास होके गया 20 का आंकड़ा, हमारा सेकंड में पास होके गया 20 का और टंडोला आया था 24 का, ये सेकंड पास हो के गया। तो उसके बाद दोस्तों ये 47 एक ज़रब कोट, तीसरा और चौथा लफज है 49 ज़रब बराबर। दोस्तों इधर जो से फिगर निकले वो निकले हमारे पास ये 73 और इधर 26। ये ब्रैकेट मैं खुद लगा रहा हूँ, ब्रैकेट नहीं है, ये चार फिगर है आपको समझाने के लिए सिर्फ। मत समझें दोस्त के बीच में कैलकुलेटर में कोई ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट नहीं आ रहा। तो दोस्तों इन दोनों की पलटी, तो ये बाट, तो दोस्तों हुआ ये कि हमारा ये 37 इधर से रूटीन के हिसाब से हमारा 37 का आंकड़ा पास हो गया और ये 37-5 ये सेकंड में पास हो गई। दोस्तों रूटीन अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कुछ नहीं। तो उसके बाद दोस्तों ये 91-5 ज़रब कोट, पांचवा और छठा लफज है 25। आप दोस्त मुकम्मल ये रूटीन चेक कर सकते हैं। दोस्तों ज़रब और बराबर, तो दोस्तों इधर से जोन से हमारे पास फिगर निकले ना वो ये निकला 30 का आंकड़ा और दोस्तों इधर से निकला 28 का आंकड़ा। तो इसकी पलटी 03 और ये 82। तो दोस्तों ये 03 का आंकड़ा सेकंड में पास हो के गया 03 और ये 033 का टंडोला सेकंड में पास हो के गया। तो अब जो सा दोस्तों चीज़ निकल रही है, अब दोस्तों है 32-0 ज़रब कोर्ट। तो जो दोस्त वीडियो स्किप करके आगे आ गए हैं ना तो वो पीछे जाके मुकम्मल कोर्ट हासिल करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों ज़रब बराबर, क्योंकि कोर्ट में पीछे दे के आया हूँ वीडियो में। तो दोस्तों अब इधर जो उनसे हमारे पास फिगर निकलते हैं ना रूटीन के हिसाब से, वो दोस्तों निकलता है ये 29 और ये 76 और इन दोनों की पलटियाँ 92 और 67। ये चीज़ है तो यानी कि 29, 92, 76 और ये 67। दोस्तों ये अगर आपके पास फर्स्ट में मैचिंग हो रहा है तो फर्स्ट में गौर कर लें, अगर सेकंड में हो रहा है तो सेकंड में गौर कर लें। रूटीन ज़बरदस्त रूटीन है, तो मैंने कहा आप दोस्तों की नज़र की जाए। तो दोस्तों इनके साथ सिंगल सेंटर है, क्योंकि सिंगल सेंटर पहले मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं सेंटर ना दूँ, लेकिन मैं सिंगल सेंटर आपको बता के जा रहा हूँ। इसके साथ मेरे हिसाब से ये सिंगल सेंटर है इसके साथ, तो जैसे ये चाल चलता आ रहा है तो अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये 92-2, 29-2, 76-2, 67-2 अगर किसी मेरे दोस्त के पास मैचिंग होता है तो इसके ऊपर गौर कर ले, अगर नहीं होता तो बराए मेहरबानी करके छोड़ दे। ये थाई लाटरी के लिए है, कौन सी होने जा रही है 1, 10,
2023 को। तो दोस्तों आप सब दोस्त मेरे से, मुझे पता है, गिफ्ट मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैं गिफ्टिंग अपनी वीडियो में ही करके जाऊंगा। तो अब मैं आपको गिफ्ट करके जाता हूं, देखते हैं मुकद्दर या नसीब। अच्छा, ये सारे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि आसिफ भाई हमें गिफ्ट दे दें, हमें गिफ्ट दे दें। तो भाई जान, मैंने आपको एक अर्ज़ की हुई है कि ये मेरा न्यू चैनल प्राइज बोन लाहौर का बादशाह है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट सब्सक्राइब होंगे इस चैनल पे। तो मैंने आपको कहा है कि मैं लाहौर का बादशाह गेस्ट पेपर आपको इस चैनल के ऊपर गिफ्ट करके जाऊँगा, लेकिन आप लोग पता नहीं समझ नहीं पा रहे या समझना चाह नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चैनल का विज़िट करें प्राइज बोन लाहौर के बादशाह का, क्या ये कंप्लीट सब्सक्राइबर हो गए हैं? अगर कंप्लीट सब्सक्राइबर हो गए हैं तो फिर गिफ्ट देना तो मेरा बनता है ना। तो मैंने हालांकि 2-3 वीडियो में पहले कहा था कि मैं इस चैनल का जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन इतना को इसरार आ रहा है कि आसिफ भाई हमें गिफ्ट दे दें। मैंने आज तक किसी से गिफ्ट नहीं मांगा। तो आप ठीक है, आप चाहत रखते हैं मेरे साथ गिफ्टिंग मांगते हैं और मैं आपको गिफ्टिंग करके जाता हूं। तो अगर आपने ये गैस पेपर गिफ्ट लेना है ना मेरे से, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो इसके ऊपर कंप्लीट सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपको गिफ्ट करके जाऊँगा, अदरवाइज माजरत ख्वाह, जैसे उसका साहब है वो फिर वैसे ही चलना है। लेकिन अगर गिफ्टिंग के लिए तो फिर ये प्राइज बोन लाहौर के बादशाह को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी दोस्तों, मेरी तरफ से तोहफा वीडियो में, जिसको अच्छा लगे तो गौर कर ले, जिसको ना अच्छा लगे तो वो छोड़ दे। तो चीज़ ये है दोस्तों, अगर आपके दिल को अच्छी लगे तो आपने गौर करना है, अगर आपके साथ मैचिंग हो जाए तो। अब कुछ दोस्त कहेंगे आसिफ भाई इसकी रूटीन, बीच में ऐसे दोस्त भी हैं मेरे, वो कहेंगे रूटीन दें हमें, लेकिन रूटीन देने से मदद खाओ, गिफ्टिंग करके जा रहा हूँ जैसे करके जाता हूँ गिफ्टिंग। तो अगर समझ में आए तो गौर कर लीजिएगा, ना आए तो छोड़ दीजिएगा, इसके अंदर कोई ज़बरदस्ती है ही नहीं। तो उसके बाद है दोस्तों हमारा इधर ये 73 का आंकड़ा, और दोस्तों ये 73 में हमारे पास है 73-9 और 73-4, ये चीज़ है। और दोस्तों इसी में इसकी पलटी है 37-9 और दोस्तों 37-4। अगर आपके पास है तो आप इसके ऊपर गौर कीजिए, अगर नहीं है तो आप दोस्त इसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों जो सा नेक्स्ट गिफ्ट है, क्योंकि अब दिन रह गए थोड़े, तो अक्सर दोस्त चाहने वाले कह रहे थे कि आसिफ भाई आपने अभी तक गिफ्टिंग शुरू नहीं की। तो मैंने कहा चलें अब गिफ्टिंग शुरू कर दी जाए, क्योंकि अब दिन कम रह गए हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपके साथ मैचिंग होता है तो आप गौर करें, अगर नहीं होता तो आप दोस्त छोड़ दें। तो एक चीज है दोस्तों, ये 5 के ओपन में 54 का आंकड़ा है,
और 54 8 है, ये चीज है, ये फर्स्ट सेकंड है। हाँ वो पीछे आपको दोस्तों स्टार का आंकड़ा दिखा के आया हूँ, तो ये वो चाल के हिसाब से स्टार 2 बन रही है, लेकिन एक रूटीन में दोस्तों ये स्टार 3 भी निकल रही है। अगर किसी के पास होए तो गौर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको पता है कि मैं गिफ्टिंग अपनी वीडियो में ही करके जाता हूँ, तो अगर हो सका तो जैसे कि मैं 8 आंकड़े और 8 टंडोले और गिफ्ट करता होता हूँ मेरे चाहने वालों को पता है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपकी नज़र करके जाऊँगा। तो ये दोस्तों थाईलैंड के लिए है। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ आए इसमें से तो गौर कीजिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मैं चीज़ आपके ऊपर मुसल्लत नहीं करता, आपके दिल मानने की बात है कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको पिक करेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।